गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वह नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये क्लियर हो गया कि ये दुर्गा के बारे में विवरण है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं, ये काल के बारे में, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे ये देखिएगा, वह रुद्र संहिता चल रही है, हम 101 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब स्पष्ट हो गया, इसको ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन्हें सदाशिव का रूप धारण कर रखा था। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यानी दुर्गा के साथ उस शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यानी शिव यहाँ जो काल है ब्रह्म और शिवा ये दुर्गा। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए और जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरें और निर्वाण धारण करें। अब दुर्गा और शिव ने क्या सोचा कि एक बच्चा पैदा कर दें और उसको ये सारा कारोबार संभला के हम दोनों केवल काशी में रहकर, ये ऊपर शिवलोक को भी काशी बोलते हैं, काशी में रहकर सविच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। यानी पति पत्नी व्यवहार किया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया। 102 पर देखो, 102 पृष्ठ पर शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण। अब यहाँ ज़्यादा ना कह गया था, शिव ने कहा, बेटा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा, अब वो ब्राह्मण पढ़ कर सुना रहा है, अनुवाद कर रहा है और वीर देव सिंह सुन रहे हैं। अपने आत्मा, परमात्मा कहता सौ छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। अब परमात्मा ने अपने रिमोट से उस ब्राह्मण के अंदर एक ऐसी प्रेरणा भर दी कि वो झूठ बोल नहीं सका और परमात्मा की रजा से, क्योंकि उस पुण्यात्मा को शरण में लेना था वीरदेव सिंह बघेल को भगवान ने, कबीर जी ने, तो ब्राह्मण पढ़कर फिर अनुवाद कर रहा है, जी ऐसा ही लिखा है जैसा ये बता रहे हैं। अब वो ब्राह्मण पढ़ रहा है और इसे परमात्मा कह रहे हैं, अब देख लो राजन, ये दुर्गा है और ये सदाशिव काल है, इन दोनों के संयोग से विष्णु का जन्म हुआ।
आपके पुराण बता रही है, आपके शास्त्र बता रहे हैं। और अब वीरदेव सिंह को तो कहीं ना नकुर यानी कोई शंका व्यक्त करने की जगह नहीं रह रही, वो तो इतना प्रभावित था उस परमात्मा से उनकी एक लीला देखकर कि ये तो महापुरुष पड़े हैं, बस उससे इतना इम्प्रेसिव हो गया कि जो भी कबीर जी कहे थे वीरदेव सिंह सच्ची माना था। और फिर वो पढ़ के सुना रहा उसका गुरुदेव वो नकली, और फिर तो कहना है कि उस भागदायक गए उस पुण्यात्मा के। अब परमात्मा बोले और पढ़ पंडित जी आ गए, अगले में क्या पढ़ा, ये छठा अध्याय समाप्त हो गया। यहाँ पर क्या कहा है कि शिव ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, जो जो बच्चा उत्पन्न हुआ था दुर्गा और काल के संयोग से, अब उसका नाम विष्णु रख दिया। आगे देखो ये छठा अध्याय समाप्त हो गया, अब सातवां प्रारंभ होता है। सातवें में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि उसके पश्चात तत्पश्चात यानी विष्णु के उत्पन्न होने के बाद कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे पहले दुर्ग विष्णु की उत्पत्ति की दोनों के संयोग से, फिर मुझे अपने दैन्य अंग से उत्पन्न किया। मुने उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। यू के सट्टे मारा अभी से कह रहा है कि तत्पश्चात उस परमेश्वर ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, फिर मुझे दैन्य अंग से उत्पन्न किया अपन आत्माओं। अब यहाँ ये लेखक थोड़ा विचलित है, अनुवादकर्ता विचलित है, जो वर्तमान में ये दास जो आपको दिखा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, अब ये विचलित हो गया कि शिव से विष्णु की भी उत्पत्ति होगी, ब्रह्मा की भी होगी, शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो इसने बीच में गोड़ मोड़ कर दिया। आगे देखो, लेकिन सच्चाई नहीं छुपा करती। ये अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 रुद्र संहिता का, इसके लास्ट में लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ये चार हो गए यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये शिव, और इन तीनों देवताओं में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु ये शिव, ये काल, ये चौथा हो गया, इनसे गुणातीत माने गए। आगे देखो, इसी पुराण के प्रश्न नंबर 25-26 पे ये स्पष्ट करते हैं विद्वेश्वर संहिता में, ये देखिएगा। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे हो गया कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु को कि मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, विष्णु जी कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। इस बात पर दोनों लड़ पड़े, बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। फिर इस काल ने क्या सोचा कि उनके कि ये लड़ाई नहीं, उनके बीच में एक तेजो में स्तंभ यानी खम्भा गाड़ दिया, तो उस खम्भे के बीच में आ जाने से दोनों ने युद्ध तो बंद कर दिया। और मन में ये प्रेरणा हुई कि इसको ऊपर और नीचे जाकर देखते हैं ये कितना लंबा चौड़ा है। तो ये लंबी कहानी है, बाकी हम आपको क्या बताना चाहते हैं। फिर वो काल स्वयं प्रकट हो गया वहां आके, तो उन दोनों को ज्ञान देने लगा। तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर देते हैं। हमने यहाँ पर यह देखना इतना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये अलग हैं, ये इसके पुत्र हैं काल के, ब्रह्म के। हमने ये निष्कर्ष निकालना है इन सदग्रंथों से, जो परमात्मा कबीर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, ताकि हम
उस परमेश्वर को पहचान सके, हम इतना ही लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 24 पे, ये ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़े थे, इनके बीच में यू स्तंभ खड़ा कर दिया। अब यहाँ ये संक्षिप्त शिव पुराण, ये विध्वेश्वर संहिता है और 25 नंबर पृष्ठ है। यहाँ नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन और संहार, त्रोभव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो ये 26 पे है आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब क्या कहता है, ये काल शिव रूप में प्रकट होके, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, ब्रह्मा और विष्णु को कहता, बेटो पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब यहाँ देखो, ये दो तो ब्रह्मा और विष्णु हो गए और तीसरा रुद्र, चौथा महेश्वर, और ये बोलने वाला इनसे न्यारा पांचवा है। तो इससे सिद्ध हो गया, ये दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से अलग, महेश से अलग ये काल है, और ये क्या करता है, इन अपने पुत्रों को भी भ्रमित रखता है, यथार्थ ज्ञान नहीं देता, किसी को शिव रूप में प्रकट होकर भ्रमित कर देता है, किसी को विष्णु रूप में प्रकट होकर, किसी को ब्रह्मा रूप में प्रकट होकर के। तो ये आपस में असमंजस में पड़े रहते हैं। जैसे साधकों ने साधनाएं की, हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदानुसार साधनाएं की, और वेदानुसार साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा ये वास्तविक स्वरूप है, ये काल कहता है, ये ब्रह्म कहता है कि ये है मेरा रूप, विराट रूप, और मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप के दर्शन यानी उसकी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इससे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे अन्य लाभ हो जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, देवता बन जाता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ कह रहा है ये, तो उन्होंने जो साधनाएं की, हठ योग करके, ओम नाम का जाप जपया, हठ योग किया इस काल की प्रेरणा से, तपस्याएं की, आंखें बंद करके हजारों वर्ष बैठे रहे, तो इस काल भगवान ने किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, तो उसने उठकर ढिंढोरा पीट दिया कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को, और मुझे इनके दर्शन हुए, ये पूर्ण मैंने साधना में इन्हीं के दर्शन हुए। तो इससे विष्णु जी फूल का कूपा हो गया कि मैं भगवान हूँ, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, उसने ढिंढोरा पीट दिया शिव जी पूर्ण परमात्मा है, शिव महेश्वर है, मृत्युंजय है, ये सब कुछ है, और किसी साधक को उसने ब्रह्मा के रूप में दे दिया, तो उसने ब्रह्मा का ढिंढोरा पीट दिया, ब्रह्मा सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, यही महापरमात्मा है, मैंने इसके दर्शन किए। तो ऐसे ये ब्रह्मा और विष्णु लड़ पड़े, ब्रह्मा का भ्रम हो गया मैं सृष्टि रचना करने वाला हूँ, और विष्णु का भ्रम हो गया कि मेरी नाभि कमल में यो ब्रह्मा पाया था तो मैं इसका बाप हो गया,
इस करके दोनों का झगड़ा होगा। ऐसे ही सभी भ्रमित थे, ये काल ऐसे ही करता है, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं देता है। अब ये क्या कहता है कि पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके ये स्थिति और सृष्टि दो कृत्य प्राप्त किए, दो विभाग प्राप्त किए मेरे से, और रुद्र और महेश को मैंने दो और दिए। इससे सिद्ध है कि ये चार रुद्र, महेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु, ये इस काल से न्यारे हैं जो शिवपुराण में ज्ञान दे रहा, और यही काल फिर गीता जी का ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह। अब देखो यहाँ से स्पष्ट होगा, यहाँ देखिएगा, यह पढ़ रहे हैं 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण का, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को बोला, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये काल कहता है कि जिस रूप में मैं अब विराजमान हूँ, ऐसे मेरे रूप में ये महेश्वर और रुद्र दोनों रहते हैं, दो अन्य कृत प्राप्त, उत्तम कृत प्राप्त, सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी सम्मानता प्रदान की है। अब ध्यान से पढ़ना इसको, वे रूप, वेश और कर्त, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये काल बोल रहा है कि ये महेश्वर और रुद्र ये मेरे जैसी आकृति के हैं, जैसे मैं ईव तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये त्रिशूल रखते हैं मेरे की तरह, और वाहन नंदी ही इनका वाहन है, वृक्ष बैल इनका वाहन है, और ये वेशभूषा भी मेरे वाली ही रखते हैं। अब देखो आगे यहाँ स्पष्ट हो जाता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखा ना, ये काल का मंत्र है, ब्रह्म का मंत्र है, ओम ओंकार, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ, यह मेरा मंत्र स्वरूप ही है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम ओंकार से, यानी ओम से, मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब ये ओम नामक एक अक्षर हो गया, ये ओम अक्षर है। अब देखियो पुणात्माओं, ये तो स्पष्ट करा कि इन पांचों से मिलकर एक मंत्र बन गया, बस यो एक अक्षर हो गया, ओम एक अक्षर। और यहाँ क्या, यह अकार आदि, ये यहाँ से ना अकार, जैसे मेरे मुख से अकार फिर उकार, ये क्या कहता है अनुवादक ने गड़बड़ कर रखी है, या तो जिससे सारा समाज भ्रमित हो गया। वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया, देखो इसने बना दिया, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में, ये शिव पुराण का मूल संस्कृत का अनुवाद नहीं, इसने अपनी तरफ से घसोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, यह 5 अक्षर का मंत्र है। इस 5 अक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए, और जो 5 भेद वाले हैं उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपाद गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए, और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्ध होते हैं, परंतु इस प्रवण से पंच अक्षर से
संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। अब यहाँ इसने अनाड़ी ने क्या कर दिया कि ये पांच अक्षर, ये तो प्रगट कह रहे हैं कि इन मुख से अकार, पश्चिम मुख से पूर्व, मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रागट। इस प्रकार ये पांच अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह पर्वण ओम नामक एक अक्षर हो गया। और यू अनाड़ी क्या कह रहा है, ओम नमः शिवाय, यो बना दिया पांच का अक्षर, यह पंच अक्षर मंत्र है, ये इन ठोक दिया। और ये बोली आत्माओं ने यू निकाल लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे यू तनु कह मेरा एक ओम मंत्र और दूसरा मंत्र ही नहीं है, ये शिव पुराण का मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय, ये इस अनुवादक ने अड़ा दिया डंगा। अपने आत्मा एक तो ये सिद्ध हो गया इससे कि ये जो सदाशिव है ये काल रूपी ब्रह्म है, इसे ब्रह्म कहो चाहे काल कहो। अब वो ब्राह्मण पढ़ रहा है और वीरदेव सिंह बघेल ध्यान से सुन रहा है और परमात्मा की इस लीला से बहुत प्रभावित है कि ये अनपढ़ अशिक्षित बच्चे हैं, इसको जुलाहा अनपढ़ है, ये कोई ज्ञान नहीं जानता, अक्सर ज्ञान युक्त नहीं है और ये सारे सदग्रंथों को बता रहा है। अब वीर देव सिंह बघेल की तो लॉटरी खुल गई कि खुद भगवान आ गए घर पे, वो तो इतना गदगद हो रहा है, हे भगवान, मत्था टेक रहा है, रह रह कर, हे परमात्मा आपने तो आँख खोल दी मारी, आपने तो कमाल कर दिया, ओए हो ये ज्ञान, ये कितने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, हमारे सदग्रंथों में भी दुमान है। अब परमेश्वर बोले और सुन ले पंडित जी, और प्रमाण देता हूँ। अब देवी भागवत महापुराण निकाल ले और उसके तीसरे स्कंद को पढ़। अपने आत्मा आप जी और हम सभी इन अज्ञानियों के द्वारा भ्रमित थे, कबीर परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी, तो आज हमें ये तत्व ज्ञान और भगवान की महिमा का पता चला और हम अपना कल्याण करवावांगे भी, ईब होगा वो कल्याण जिसकी हमने युगों से तलाश थी, युगों से प्रयत्न था। परमेश्वर कबीर जी उसी समय कहा करते थे, धर्म दास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अब एक धर्मदास नाम के पुण्यात्मा थे, उनको परमात्मा कबीर जी मिले। अब पुण्यात्मा हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है और इस तरह के उदाहरण जो ये कथाएं हैं, ये सत कथाएं, ये इसके लिए सहयोगी हैं। इसके साथ साथ हमने अब वेदों को भी देखना है कि कबीर परमेश्वर ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। अब वो पांचवा वेद परमेश्वर ने आकर अपने आप ही बताया। आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, ये सत्संग समागम समारोह चल रहा है, इसमें ये किस उपलक्ष में है कि परमात्मा सतलोक से आए, सह शरीर आए और यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए लीला की। वो प्रत्येक युग में आते हैं और बीच में भी जब चाहे वो प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को अपना ज्ञान दे जाते हैं। तो वेद यही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के पास अपने सतलोक से गति करके यहाँ आता है, उनको उपदेश देता है। अब देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल महर्षि दान सरस्वती द्वारा अनुवादित, ये है प्रकाशक
सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षिदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, वैसे तो ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत नहीं है, 9 और 10 मंडल ये किसी और का किया, फिर भी हम आगे अब हमारा उद्देश्य कुछ और है उसी को क्लियर करते हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये आइएगा इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों ने को नष्ट कर देता है, उनके रास्ते साफ कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ यानी उन भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके आता परमात्मा सतलोक से करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहाँ ये सर्वज्ञ लिख दिया, कवि कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, हम इसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर देव, हम फिर कबीर साहब कहने लगे, वह को वह बोलने लगे, वैसे कबीर साहब वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ वहाँ से चल यानी खूब तेजी से चलता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय माने श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आगे देखो 27 में लिखा है कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतीथी को लाभ कर रही हैं वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं, प्रकाश पुंज परमात्मा को, यानी जैसे सूर्य प्रकाश पुंज है ऐसे साकार तेजों में परमात्मा को वृद्धि बुद्धि वृत्तियाँ विषय करती हैं, वह जो परमात्मा धूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, प्रकाश रूप है उसको बुद्धि वृत्तियाँ प्रकाशित करती हैं। अब एक तो इसमें यह सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने धूलोक के तीसरे स्थान पर यानी किसी ऊपर के लोक में एक स्थान पर एक देशीय परमात्मा है वहाँ विराजमान है और वहाँ से बिजली जैसी गति से बहुत अति शीघ्र गति से नीचे आता है और अपनी प्यारी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। फिर वो करता क्या आगे देखो 28 में क्या लिखा है, तुम्हारे दिव्य सामर्थ्य से ये सब प्रजा उत्पन्न हुई है, तुम संपूर्ण सृष्टि के राजा होकर विराजमान हो यानी राजा की तरह साकार हो, हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मा संपूर्ण संसार तुम्हारे वश में है और हे प्रकाश रूप परमात्मन तुम ही पहले निवास स्थान हो, ये है तुम प्रथमम धाम धा यानी सबसे पहले धाम में रहने वाले ये होना चाहिए, निवास करने वाले हो। आगे देखो अब ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 82 और इसके 1, 2, 3 में ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 और इसके 1 मंत्र में के साफ स्पष्ट किया है, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों को हरण करने वाला है वह राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है और वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भगत हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जो उसके खास भगत हैं वो परमात्मा उन श्रेष्ठ पुष्टों भक्तों को दृढ़ भक्तों को और वो पवित्र करता हुआ उनको प्राप्त होता है।
और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा ने वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब इसका क्या अर्थ है, जैसे एक मोटा उदाहरण है पुराने समय का, पहले कहा करते भाई बिजली गिरती है या तो एक काशी धातु आती, उसके थाली बेले गिलास ये उसके होते थे काशी धातु के, काशी के, और कहा करते काशी की थाली पर या बेले पर आसमानी बिजली गिरती है या काले सांप पर गिरती है, ऐसा उसका कहते उस पर वो स्वाभाविक गिरती है, उसका उससे मेल को ऐसा कनेक्शन है। तो कहते जैसे वो बिजली आसमान वाला की विद्युत अपने स्नेह वाले उस जहाँ वो उसका अट्रैक्शन है वहीं जाती है इतनी स्पीड से, कहते ऐसे ही वो परमात्मा अपने उन प्यारे दृढ़ भक्तों को मिलता है जा करके। फिर उनको किस लिए मिलता है, उपदेश करता है, उनको ज्ञान देता है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया कि उन दृढ़ भक्त है उसको प्रपवित्र करता, वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता, उनको मिलता है, वहाँ से चल कर आता है। अब दो मंत्र में क्या लिखा है कि हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अपने आत्माओं इसमें ढेर सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा क्या लीला करता है, कैसे करता है। और देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 इसका मंत्र नंबर 1 में, ये इसमें लिखा है कि पर कबीर देव, यु कबीर देव है, कबीर देव इन्होंने इसका क्या कर दिया, वह कवि मेधावी, कवि का अर्थ लिख दिया मेधावी, हम लिखते हैं कि वह कबीर देव है और सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है और सहनशील है, दिक्कत ही क्लियर कर रखा, वो सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है यानी ज्ञान रूपी युद्ध में ज्ञान के अखाड़े में सबको तिरस्कृत कर देता है, उनको हरा देता है। अपने आत्माओं ये वेद क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है और वहाँ से चलकर आता है, अपने प्यारे भक्तों को श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान देता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में और वेदों में उसको कबीर देव का है, हम कबीर देव कह जहाँ कबीर साहब, वो कबीर देव है। वो कबीर देव क्यों कहलाता है, हम वह को कभी कवि को हम कभी बोला करते हैं अपनी देसी भाषा में कभी, तो कबीर देव वो कविताओं के माध्यम से यथार्थ ज्ञान देता है और इस तरह की क्रिया से उसको कवि की उपाधि भी दे देते हैं। तो वो कबीर रूप में प्रगट परमात्मा, वो कबीर देव, वो कबीर देव, कबीर साहब, वो कवि साहब बोलो, कवि साहब कह ले कवि, तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। वैसे कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि को सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ भूमिका बनाई परमात्मा कबीर जी ने, आज से 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा। अब क्या बताते थे परमात्मा कि धर्मदास ये जग बोराना
और कोई ना जाने पद निर्वाण है, कि कोई भी पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, पूरा संसार विचलित है, यथार्थ ज्ञान इनके पास नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, हो सब जीवों का भरम नसाओ। तो उन पुण्यात्माओं में से जिनको परमात्मा आकर मिले इस कलयुग में, उन दृढ़ भक्तों को, उन श्रेष्ठ आत्माओं को, उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहेब जी भी हैं। वैसे तो इस दास के नोटिस में जो ज्ञान में है, किन किन को वो पूर्ण परमात्मा आए अपना गवाह बनाने के लिए, और उन प्यारी आत्माओं ने परमात्मा को सचखंड में देखा, सतलोक में देखा, उस जहाँ पर ये रहता है, और उनकी आत्मा को फिर वापस छोड़ा प्रभु ने, फिर उन्होंने अपने अमृतवाणी रूप में वो एफिडेविट दे रखे हैं कि वो काशी वाला धानक, वो कबीर दुलाहा, ये पूर्ण परमात्मा है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। छुटानी एक गाँव है जिला झज्जर हरियाणा में, बादरगढ़ से झज्जर रोड पर एक दुलेड़ा गांव आता है। दुलेड़ा गांव से 2-2.5 किलोमीटर एक लिंक रोड जाता है, 1.5 किलोमीटर, वहाँ छुटानी गांव है। वहाँ पर संत गरीबदास जी जब 10 वर्ष के थे तो परमात्मा उनको मिले थे खेतों में आकर के, वो गऊ चरा रहे थे गरीबदास जी। उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर ऊपर लेकर गए, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, सारा वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीति से परिचित कराया, और गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। उनको जलाने की तैयारी हो गई थी, उसी समय परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ दी। फिर गरीबदास जी ने अपने आँखों देखा, एक बहुत ही अनोखा वर्णन किया जो ये ग्रंथ साहब रूप में ये पाठ चल रहा है। ये अमृतवाणी गरीबदास साहिब जी की है, जो लगभग अगर लगातार हम पढ़ें तो 48 घंटे में पूर्ण होती है, दिन रात अखंड पढ़ने से, इतना अमृत ज्ञान इसमें ये सूक्ष्म वेद लिखा हुआ है। और आदरणीय नानक साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको पूर्ण ब्रह्म मिले और सचखंड से परिचित कराया और वापस छोड़ा। ये वो श्रेष्ठ आत्मा थी, ये वो पुण्य आत्मा है जिनको परमात्मा आकर मिले और अपना साक्षी बनाया। उनमें से धर्मदास जी को मिले थे सबसे पहले कलयुग में, तो उनको बता रहे हैं अपना ज्ञान। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाण्या। ये सभी वेद और पुराणों तक सीमित हैं, इनको अच्छी तरह नहीं समझ सके, और ये इन्हीं उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, ये इनका कैसे जन्म हुआ, जो बुद्धिमान होंगे वो तो स्वीकार करेंगे, और जो मूर्ख हैं, जिन आँखों देखकर भी नहीं मानते, उनके सत्र का ज्ञान ये नहीं है। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाण्या, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दरखाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा।
टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई, सोलह संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की न्या, नखरे का से भग कर लीना, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान कहा था उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है। ये जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान पाया, पुराणों में पाया, और ये अज्ञानी अनाड़ी, ये गुरु जी हमारे ब्राह्मण जी, ब्राह्मण हमारे गुरु थे हिंदू धर्म के, ऋषि, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, इन नकलिया ने ना बराबर माँ विष्णु महेश की क्या स्थिति है। इनको अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, ये सारी सृष्टि करते, नारायण के कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये तो ये बांडिया करते। अरे इनकी जीवनी में लिखा है कि जन्म और मृत्यु में है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनके माता पिता लिखे हैं, वो हमें नहीं बता सके हमारे नकली गुरु, ये बट्ठा बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, इन्होंने भूत बनवा दिए, उल्टी साधना देकर फिर उनके श्राद्ध निकलवाए, वो अपना पेट भरने का धंधा शुरू करवा दिया। ब्राह्मण वही होता है जो मार्गदर्शन गुरु पद पर होता है। ये दास जो है आज ब्राह्मण है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाण है। मेरे गुरुदेव जो थे वो प्रचलित, जैसे हम परंपरा दर देते हैं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण 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 का अर्थ बहुत गहरा होता है। लेकिन जैसे किसी का दादा तीसरा चौथा दादा वैद था, वो बढ़िया वैद था, नब्ज पकड़ कर बता देता या बीमारी हर दवाई देता था, ठीक कर देता, वो वैद नाम से प्रसिद्ध था, वो तो था वैद। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके वंशजों को वैद कहने लगे सारे को, चाहे को पेट के दर्द की दवाई भी नहीं जानता, वो भी लिखा कृपा राम वैद, कितना नौकरी करता है या कोई और धंधा करता है, कोई वर्कशॉप खोल रहा है, वो भी लिख रहा है राम सिंह वैद। वो वैद उनका सरनेम बन गया, वो वैद नहीं है। तो ऐसे ये ऋषि जो थे ब्राह्मण, इनके वंशज भी ब्राह्मण कहलाते हैं, और ये अपने आप लिखते भी हैं पंडित जी, लेकिन ये पंडित जी नहीं है, ये तो जैसे वो वैद लिख रहा है ना वो वर्कशॉप वाला, ऐसे ये ब्राह्मण है। और वास्तव ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण का कर्म करता है। मेरे गुरु जी हरियाणा में चरखी दादरी के पास बड़ा पैतावा से गांव है, वहाँ के इस परंपरागत बड़ी ब्राह्मण जाति में थे, उस ब्राह्मण कहलाते हैं जो, लेकिन खेती करते थे, पशु रखते थे, फिर भी वो ब्राह्मण एक फीत लगी हुई है। वो ब्राह्मण जाति से थे, ब्राह्मण ग्रुप से थे, वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे, कहते मैं संत हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, वो छावला गांव के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से वो पढ़ाई की थी, जिससे वो चार विषय के आचार्य बन गए थे। वो अपने आप को पंडित चिदानंद नाम से बोला करते थे, वो पंडित कहलाते थे। आज भी उन हमारे दादा गुरुजी का आश्रम खरखोदा जिला सोनीपत, खरखोदा तहसील में, खरखोदा के पास गोपालपुर गांव है, उसमें भी वो आज आश्रम विद्यमान है, पंडित चिदानंद आश्रम, उनका नाम था चिदानंद, और वो जाट होते हुए पंडित कहलाते थे, और हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, संत राम देवानंद, स्वामी राम देवानंद। तो पुण्यात्माओं, हम आज अभी तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए तो कहने का भाव ये है कि उन ब्राह्मणों को कहा जा रहा है जिन जो गुरु पद पर थे और यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थे और सबको भ्रमित कर गए। अब क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा उसी समय बताया करते थे
माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, ज्योति निरंजन कहो चाहे काल कहो चाहे इसको ब्रह्म कहो और इसको धर्म राय भी बोलते हैं। इसने कहा था मैं धर्म का राज कराया करूँगा, जो जैसा करेगा वैसी ही उसको फल दूंगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, इसलिए धर्मराय की पदवी भी इसी को प्राप्त है लेकिन नकली। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, माँ माया रूप देख अतिशोभा देव निरंजन तन मन लोभा। ये एक सृष्टि रचना की लंबी कहानी है, अब समय इतना नहीं है, वो कल या परसों जब भी समय मिलेगा आपको सुनाएंगे, पूरा विस्तार से सुनाएंगे। यहाँ तो हम अपना उद्देश्य को ले रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने ये कहा था कि इस काल ने और दुर्गा के संयोग से इन ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। माया को रही तब आशा तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये तीन पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए और ज्योति निरंजन के संयोग से तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जीव धोखा खावे। कहते इस काल के तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये इस काल के ढमढमे ने इस सारे न चला रहे हैं और इन्हीं की पूजा में सारा संसार धोखा खा रहा है। ये काल के पुत्रों की पूजा करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अपुन आत्माओं, ये तो दास ने कबीर परमात्मा की वाणी 600 वर्ष पुरानी सुना दी आपको, और जो प्रथम बार सुनता है उसके मन में एक बार ये अटैक होता है कि भाई ये तो सीधा जो हजू कह ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को ना, ये दास नहीं कह रहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा 600 वर्ष पहले, और हमारे पुराण बता रहे हैं उसी को ज्यों का त्यों कि ज्योत निरंजन ये काल कह रहा है इस विष्णु और ब्रह्मा को कि तुम भगवान नहीं हो। शिव पुराण में लिखा, आपको दिखाता हूँ। प्रसंग वही है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, ब्रह्मा कह मैं तेरा बाप, विष्णु कह मैं तेरा बाप, तो उनका बीच बचाव करने के लिए ये काल प्रकट हो गया सदा शिव रूप में, शिव जी के रूप में। अभी आपको दिखा कि ये स्वयं कहता है कि ये रुद्र और महेश तो मेरा रूप धारण कर लेते हैं, मेरे जैसा इन हथियार रखते हैं त्रिशूल, और मेरे जैसा वाहन है इनका, मेरे जैसी वेशभूषा, मुझसे मिलते जुलते। ये सिद्ध करने के लिए कि कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। तीनों गुण की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में भूल रहा संसार, और कह कबीर निज नाम बिना वे कैसे उतरो पार, उस वास्तविक मंत्र के बिना तुम पार कैसे होगे। इन तीनों गुणों की भक्ति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट किया है कि त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुष्टर है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी इसका फैलाया हुआ जाल ये बड़ी खतरनाक है, और जो इस जिनकी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानते, उनसे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, जो गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अपुण आत्मा, यही परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं और यही हमारी गीता जी बता रही है, ये पुराण बता रहे हैं। तो 600 वर्ष पहले कबीर जी ने जो ज्ञान दिया था उसका समर्थन आज ये पुराण कर रहे हैं, जिन पुराणों को पवित्र हिंदू धर्म एक यथार्थ शास्त्र मानता है, उस यथार्थ शास्त्र के ज्ञान से भी हम परिचित नहीं करवाए उन नकली गुरुओं और ऋषियों और महर्षियों ने जो नकली थे और परमात्मा के दुश्मन थे कबीर जी के यथार्थ ज्ञान को, उन्होंने इसका ये कहकर दबा दिया कि कबीर अशिक्षित है, यह संस्कृत नहीं जानता, तो इस बात का सब असर हो गया, सब पुण्यात्माओं ने स्वीकार कर लिया कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसलिए ये हमारे गुरु जी हैं,
ये संस्कृत जानते हैं, ये गीता और वेदों और पुराणों को सही समझे हुए ये जो कह रहे वही ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब देखिएगा, ये है शिव महापुराण प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, यानी संस्कृत और हिंदी दोनों इसमें। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। अब हम आते हैं अपने उसी स्थान पर, ये ब्रह्मा और विष्णु जी का एक बार युद्ध हो गया। ये देखिएगा शिवपुराण प्रश्न नंबर 17, इस शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 9 का, और हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नमर हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना जो मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उस शक्ति में अमृत की धारा रहती है। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के लिए अर्थ दोनों से कहा। फिर क्या बोला? वो काल जो उनके बीच में आ गया था, वो आपस में झगड़े थे, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं। ये काल कहता है और कोई भगवान नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा मूर्तिमान रूप। पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है और इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को अथवा दूसरों को, ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रणस्थान आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। स्पष्ट कर दिया है, तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। पुणात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी यही ज्ञान बताया करते थे, जो दास आज उन्हीं के बताया हुआ रूबरू करा रहा है, उजागर कर रहा है। और आज आपको इसलिए सुहा गया कि आप शिक्षित हैं और आप अपनी आंखों अपने सदग्रंथों को पढ़ रहे हो। तो ये ज्ञान परमात्मा बिना नहीं दिया जा सकता, जिसको अशिक्षित कहें। नहीं तो शिक्षा ग्रहण करने में उस परमात्मा ने के देर लगे थी, वह शिक्षा भी ग्रहण कर सकते थे और उनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं, वो सब लिख सकते थे, संस्कृत भी लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इसलिए अक्षर ज्ञान रहित सिद्ध किया कि आज हम पहचान सकें कि परमात्मा इस ऐसा होता है जो अक्षर रहित होकर भी अक्षर ज्ञान था उनको। उन सब संस्कृत को भी जानते थे, परमात्मा बिना नहीं जान सकता। तो आज हमें परमात्मा पहचानने में देरी नहीं लगेगी। और पुण्यात्मा, जब तक हम ये दृढ़ता नहीं होलेगी हमारे अंदर कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, तो हम सफल नहीं हो सकते। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
8880541।